बिहार में अब नई सरकार है और नई सरकार के बिहार विधानसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। अब सवाल उठता है कि आखिर अवध बिहारी चौधरी है कौन, जो महागठबंधन सरकार में बिहार विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। राष्ट्रीय जनता दल ने अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। इनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है, सोशलिस्ट वर्कर ऑफ आरजेडी, एक्स मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट, सिक्स टर्म एमएलए फ्रॉम सिवान विधानसभा। इस इंट्रो से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवध बिहारी चौधरी समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, जो खुद को आज भी आरजेडी का सिर्फ एक कार्यकर्ता समझते हैं। अब चलिए अवध बिहारी चौधरी कौन है वो बता देते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी की उम्र 76 साल है। वो सिवान से 6 बार विधायक बन चुके हैं, 1985, 1990, 1995, फरवरी 2000, 2005 और 2020 में वो चुनाव जीते। 2020 में विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ उन्होंने स्पीकर पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। वो राबड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। 76 वर्षीय अवध बिहारी चौधरी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो सिवान से 6 बार विधायक चुने गए हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो पूर्व में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी सिवान से 1985, 1990, 1995, 2000, फरवरी 2005 में विधायक चुने गए। 2020 में भी वो विधायक बने। उन्होंने 2020 में स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के मुकाबले में पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो हैं वो बदल गई हैं और सदन में महागठबंधन के सदस्यों के संख्या बल को देखते हुए उनका स्पीकर बनना तय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और बिहार की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक।